गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कहते आज है दिल्ली का हमारा तीसरा दिन और आज हमारा लास्ट डे भी है दिल्ली में। आज रात को हमारा ट्रेन है किसी और एक डेस्टिनेशन पे, उसको आप जानने के लिए वीडियो के एंड तक प्लीज आप बने रहिए, आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जाने वाले। तो अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंडिया गेट को। तो कहते अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं इंडिया गेट पर, देख सकते हो। और हर तरफ चारों तरफ अभी बैरिकेड है, अंदर जाने नहीं दे रहे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सामने। वहाँ पर आर्मी लोग वहाँ पर बैठे हैं, वो लोग हमने वहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर अंदर जाना है, देन अलाउ है, तो वो लोग मना कर रहे हैं। तो यही है, आप यहाँ से देख सकते हो। और एग्जैक्ट मेरे पीछे है राष्ट्रपति भवन, तो वहाँ पर भी बंद है, अंदर जाने नहीं, मतलब गेट के अंदर जा नहीं सकते, तो जो भी आपको बाहर से देखना पड़ेगा। चलिए चलते। पार्लियामेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर अंदर नहीं चलेगा। मेरा राष्ट्रपति भवन अगर अंदर हम ले चलेगा ना, ऑटो से ले चलेगा, बहुत घूमने की चीज़ है। तो अगर चलते हैं अभी हम फिलहाल जाएंगे राजीव चौक, अभी धूप बहुत बढ़ चुका है। चलो चलो उस साइड चलते हैं। तो हम आ चुके बस स्टैंड पे और यहाँ से हम राजीव चौक जाएंगे, उसके लिए बस के लिए वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखते हैं। काफ़ी देर हो चुका है हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, एक भी बस नहीं आ रहा है, पता नहीं हम गलत जगह तो नहीं खड़े हैं। बहुत टाइम बाद एक बस आ रहा है सामने से, पूछ लेते राजीव चौक जाएगा ना। तो हम पहुंच चुके राजीव चौक। गाइस अभी हमें पाली के बाजार में एक अंडरग्राउंड मार्केट है, मतलब दोस्तों अभी हम फिलहाल है पालिका बाज़ार जो अंडरग्राउंड में है। राजीव चौक से पालिका बाज़ार का जो डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है आपका अराउंड 350 से 400 मीटर के आसपास होगा। और ये बहुत ही बड़ा सा मार्केट है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी है। और ये जो मार्केट है सैटरडे संडे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, मोस्टली दिल्ली में हर एक जगह, हर एक टूरिस्टिक पॉइंट पर आपको सैटरडे संडे भीड़ मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इस मार्केट में दो फ्लोर है और इस यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें आपको बहुत ही चीप रेट पर आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे गारमेंट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स शूज़ आपको फर्स्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक दो दुकान में मैंने पूछा तो वो लोग 3x 4x टाइम रेट बढ़ा के बोलते हैं, तो आपको अगर बार्गेनिंग सही से नहीं करना आ रहा होगा तो आप यहाँ पर ठग सकते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटेड मुझे ये लगा कि यहाँ पर जो होते हैं जो टैटू वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं बार बार, कहीं भी जो आपको पीछे वो लोग पड़े रहते हैं कि टैटू करवा लो, ये करवा लो, उन लोगों से थोड़ा बच के और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। मियां संग्राम ऑलरेडी हम दो बार इसके अंदर खो चुके हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है हमारे, लेकिन फर्स्ट टाइम है इसलिए। और बाकी यहाँ का माहौल और भाई बहुत अच्छा लगा हमें, और कभी भी और दिल्ली में आ रहा हो इसको भी एक बार प्लीज़ ज़रूर से एक बार एक्सप्लोर करना। जब भी मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ पाली की वजह से बाहर, और आपको डायरेक्ट मिलते हैं रेलवे स्टेशन जाके, मैं डायरेक्ट अभी रेलवे स्टेशन ही जाऊँगा, वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिलते हैं भाई। सो गाइस अभी टाइम है 7:30 और हमें अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर, और हम जा रहे हैं और एक डेस्टिनेशन पे। अभी हम यहाँ से पुरानी दिल्ली से हम जा रहे हैं कालका। सो अभी हमारा टाइम जो है गाड़ी का वो है 8:30, ऑलरेडी 7:30 बज चुका है, 7:30 बज चुके हैं, हमारा ज़्यादा टाइम नहीं, हम खाना वाना खा के उसके बाद आप डायरेक्ट मिलते हैं ट्रेन के। गैस खाना ख़त्म करके आ चुके हम, बहुत जल्दबाजी से दौड़ के चले आए, बट अंदर देखा तो गाड़ी 1 घंटा लेट है। तो देखते हैं अभी, और ज़्यादा आज मौसम कुछ ज़्यादा सही नहीं है, बारिश होने का बहुत ज़्यादा संभावना है और तूफान भी हो रहा है बहुत तेज़, देखते हैं अभी क्या होगा।
अवॉइड करते हैं और क्या। इंडियन रेलवे आने के टाइम आपको पता ही होगा, आने के टाइम घर से आने के टाइम दिल्ली में 4.5 घंटा 5 घंटा लेट था, आज 1 घंटा है, तो नॉर्मल चीज़ है इंडियन रेलवे के लिए। गैस गाड़ी हमारा आ चुका है यहाँ पीछे और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो गाड़ी पे जाके आपसे बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हम पहुँच चुके हैं कालका, अभी टाइम है 3:24 और सॉरी मैं ट्रेन के अंदर आपको जो ट्रेन का सफ़र मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी नहीं पाया क्योंकि बहुत भीड़ था, रिजर्वेशन सीट था बट फिर भी लोग उसके ऊपर बैठे थे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर भी नहीं उठे, तो ऐसा कुछ सफ़र रहा हमारा, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। और आज का दिन बहुत एक्टिव था और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, रात भर नहीं सो पाया, तो इसीलिए हम आज रेस्ट करेंगे कालका में। और कल से आए हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हम जाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हम लोग एक्साइटेड भी है और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करके आए हम लोग, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, तो बने रहिए और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।